नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर रह करके आप अपने यूपी पुलिस एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में लेकर के आए ग्लोब शब्द से बनने वाले 37 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले यूपी पुलिस एग्जाम और किसी अन्य एग्जाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है उसमें आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए। आशा नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है आपसे आप ऐसा जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 37 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन हो जाएगा अर्थात आचार का विलोम शब्द है, तो आचार का विलोम शब्द क्या होगा ये आपको बताना, इसका हो जाएगा अनाचार, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द एहेक शब्द का विलोम है, तो एहेक का विलोम शब्द क्या होगा ये आपको बताना, तो एहेक का विलोम शब्द होता है पारलौकिक, ऑप्शन नंबर 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्प में से अमृत का विलोम शब्द क्या होगा, तो अमृत का विलोम शब्द होगा विष, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए, तो तृष्णा का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा, वितर्षणा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तामसिक का विलोम क्या होगा, तो तामसिक का विलोम शब्द हो जाएगा सात्विक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आकाश का विलोम बताइए, तो आकाश का विलोम होता है पाताल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का विलोम बताइए, तो पृथ्वी का विलोम शब्द हो जाएगा आकाश, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जटिल का विलोम होगा, तो जटिल का विलोम शब्द हो जाएगा सरल, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निंदा का विलोम शब्द हो क्या होगा, तो निंदा का विलोम शब्द होगा स्तुति, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संतोष महाधन है रेखांकित शब्द का सटीक विलोम शब्द होगा, यानी संतोष का विलोम शब्द क्या होगा ये आपको बताना, तो संतोष का विलोम शब्द होता है असंतोष, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्तुति का विलोम है, तो स्तुति का विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका विलोम शब्द आपका हो जाएगा हे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जड़ का विलोम है, तो जड़ का विलोम शब्द हो जाएगा चेतन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं रेखांकित शब्द का सटीक विलोम बताइए, यानी लौकिक का विलोम शब्द क्या होगा, तो लौकिक का विलोम शब्द होता है अलौकिक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित का विलोम शब्द क्या है, तो पंडित का विलोम शब्द है मूर्ख, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द ऋणी का विलोम है, तो ऋणी का विलोम शब्द क्या होगा, तो ऋणी का विलोम शब्द है पूर्ण, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अस्त्रीकरण का विलोम शब्द क्या है, तो अस्त्रीकरण का विलोम शब्द है निरस्त्रीकरण, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से चिरंतर का विलोम क्या है, तो चिरंतर का विलोम शब्द हो जाएगा नास्वर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बर्बर का विलोम शब्द क्या है, तो बर्बर का विलोम शब्द क्या है, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा सभ्य, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तरल का विलोम शब्द क्या है, तो तरल का विलोम शब्द हो जाएगा ठोस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द आकाश का विलोम है, तो आकाश का विलोम शब्द होता है पाताल, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोमल का विलोम शब्द क्या है, तो कोमल का विलोम शब्द हो जाएगा कठोर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्षेत्र का विलोम शब्द क्या है, तो क्षेत्र का विलोम शब्द आपका हो जाएगा मुदित, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विधि का विलोम शब्द क्या होगा, तो विधि का विलोम शब्द आपका हो जाएगा निषेध, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृत्रिम का विलोम है, तो कृत्रिम का हो जाएगा प्राकृतिक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्वाचीन का विलोम शब्द है, तो अर्वाचीन का विलोम शब्द हो जाएगा प्राचीन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आरोही का विलोम है, तो आरोही का विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका विलोम शब्द आपका हो जाएगा
अवरोही ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्योति का विलोम शब्द क्या है, तो ज्योति का विलोम शब्द हो जाएगा आपका तम, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आगम का विलोम शब्द क्या है, तो आगम का विलोम शब्द आपका हो जाएगा सुगम, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृपण का विलोम है, तो कृपण का विलोम शब्द आपका हो जाएगा दानी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संधि का विलोम शब्द है, तो संधि का विलोम शब्द हो जाएगा विग्रह, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द उत्थान का विपरीतार्थक है, तो उत्थान का आपका क्या, उत्थान का होता है पतन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द हिंसा का विलोम है, तो हिंसा का क्या होता है, तो हिंसा का होता है अहिंसा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द स्तुति का विलोम शब्द है, तो स्तुति का विलोम शब्द होता है निंदा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अधिक का विलोम शब्द है, तो अधिक का विलोम शब्द क्या होगा, तो अधिक का विलोम शब्द हो जाएगा आपका न्यून, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्कर्ष का विलोम है, तो उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा अपकर्ष, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द क्षुद्र का विपरीतार्थक है, तो क्षुद्र का विपरीतार्थक क्या होगा, ये होगा महान, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द संयुक्त का विपरीतार्थक है, तो इसका संयुक्त का हो जाएगा आपका वियोग, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना इसको जरूर शेयर करिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। आशा नहीं आपसे, मुझे पूरी उम्मीद है आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं अपने नेट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद प्यारे साथियों।